रंजना राय। रंजना, आज आप यहाँ पे आई थी नौकरी के लिए, क्या हुआ? सर मेरे को नौकरी मिली है, मेरा सिलेक्शन हुआ है इकाया ह्यूमन कैपिटल में, इकाया ह्यूमन कैपिटल में मेरा सिलेक्शन हुआ है और इसमें मेरा कस्टमर डीलिंग का वर्क बताया है और सैलरी पैकेज भी अच्छा बताया है, 10+ सैलरी बताई है, 10,000 प्लस सैलरी बताई है, अकोमोडेशन फ्री बताया है। और इससे सर दिल्ली या नोएडा में से किसी भी स्पेस में दे सकते हैं। मेरा ग्रेजुएशन लास्ट ईयर चल रहा है, ITI कंप्लीटेड है। क्या लगता है जो ऐसे आयोजन सरकार करवा रही है तो ये तरीके अच्छे हैं इस तरीके से? सर ये बहुत अच्छा तरीका है क्योंकि इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा स्टूडेंट को, क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा बेरोजगारी का टाइम चल रहा है, मतलब कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि कंपटीशन ही है और रोज़गार कहीं भी नहीं मिल रहा है, तो इससे बहुत बेनिफिट मिलता है, तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है एक स्टूडेंट लाइफ के। नाम है आपका? स्नो वाइट। आज आप यहाँ रोजगार मेले में आई थी, आपको नौकरी मिल गई है? यस सर। क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? मेरी क्वालिफिकेशन सर ITI हाई स्कूल इंटर विद BA फर्स्ट ईयर। किस में नौकरी मिली है आपको? इस कंपनी है क्या ह्यूमन लिमिटेड में मिली है और उसकी पोस्ट है उसमें सर कस्टमर रिक्वायरमेंट में। क्या लगता है ये एक अच्छा तरीका है रोजगार का, रोजगार पाने का? यस सर। जिस तरीके से गवर्नमेंट इस तरीके से आयोजन कर रही है तो ये आसान जरिया है नौकरी का? यस सर, मुझे तो लगा यहाँ आके मुझे अच्छा लगा और फिर सर क्योंकि वहाँ पर जाने के बाद ये लगा मुझे कुछ जो बेरोजगार लोग हैं उनके लिए अच्छा ही कर रहे हैं। देखिए श्रेयोजन विभाग रोजगार मेला के माध्यम से बड़े पैमाने पर रोजगार देने की दिशा में कदम आगे बढ़ा चुका है और जब से योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनी है अब तक लगभग 2.25 लाख नौजवानों को रोजगार दे चुके हैं और इस वर्ष में हम लगभग 50 जनपदों में इस प्रकार का रोजगार मेला आयोजित करने जा रहे हैं। अभी पिछले हफ्ते मैंने लखनऊ में रोजगार मेले के माध्यम से हजारों लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए हैं और आज भी यहाँ पर जैसा कि 4,238 पद की भर्तियाँ हो रही हैं और बड़े पैमाने पर आज अभ्यर्थी भी लगभग यहाँ पर पहुँचे हैं, तो हमें उम्मीद है कि इस तरीके से रोजगार मेलों के माध्यम से हम इस वर्तमान सत्र में 2 लाख लोगों को रोजगार देने में अतिरिक्त कामयाब होंगे और इसी दिशा में आज जिस तरीके से योगी जी के नेतृत्व में और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर नौजवानों को उपलब्ध होना शुरू हुआ है, ये शुभ लक्षण है क्योंकि सरकारी क्षेत्रों में पद सीमित होते हैं, निजी क्षेत्रों में पद असीमित होते हैं, तो जहाँ असीमित क्षेत्र है उसका लाभ नौजवानों को मिले इस दिशा में श्रेयोजन विभाग पूरी मुस्तैदी से रोजगार मेले के माध्यम से उनको रोजगार दिलाने की पूरी ताकत लगाई हुई है और उस दिशा में हम कामयाब भी हो रहे हैं। देखिए दो चीज़ ज्यादातर होता है कि उनसे सिक्योरिटी मनी के नाम पे पैसा लिया जाता है और उसके बाद फिर वो 2-3 महीने काम करवाते हैं उसके बाद उनको वापस भगा दिया जाता है। जयपुर, हरियाणा, कहाँ कहाँ की कंपनियाँ आती हैं और उनको चयनित करके ले जाती हैं, इस तरीके से बहुत फर्जीवाड़ा बहुत होता है। देखिए ऐसा ऐसा लोगों की कल्पना है क्योंकि बड़ी बड़ी प्रतिष्ठित कंपनियाँ जो आती हैं जिनका चयन करती हैं उनको अपने पास रखती हैं और यही नहीं निजी क्षेत्रों में उनके परिश्रम पर लगातार उनको प्रमोट भी किया जाता है। हाँ इतना ज़रूर है कि कभी कभी कुछ अभ्यर्थी उससे बेहतर जाप पा जाते हैं तो स्वयं छोड़ चले जाते हैं लेकिन कंपनियों के द्वारा टॉर्चर करने की घटनाएं अब नहीं आ रही हैं। मंत्री जी, विपक्ष लगातार कह रहा है कि नौकरियां जा रही हैं, मंदी का दौर है, तो क्या कहेंगे विपक्ष ये जबरदस्ती जानबूझ के? अब देखिए विपक्ष के पास तो आज कोई जनहित का मुद्दा है ही नहीं तो स्वाभाविक रूप से वो कोई ना कोई इस प्रकार का अनाप शनाप बयानबाजी करता रहता है। रही बात, हमने आपको खुद बताया सेवायोजन विभाग से हमने 2.25 लाख लोगों को रोजगार दिया, सरकार के विभिन्न विभागों के विभिन्न पदों पर लगभग 4 लाख नौजवानों को सेवायोजन आउटसोर्सिंग के माध्यम से उनको रोजगार मिला है। हाँ आउटसोर्सिंग
सिस्टम से भर्तियों पर कहीं ना कहीं उंगली उठती रही है, जिस पर हम नकेल लगाने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ उस पर बैठ करके हमारे अधिकारियों के द्वारा डिसीजन किया जा रहा है। जल्दी ही इस पर एक कैबिनेट प्रस्ताव भी आएगा, जिसमें कभी कभी आउटसोर्सिंग कंपनियों के माध्यम से रखने के नाम पर मनमानी धन उगाही करना, मन चाहे तरीके से उनको निकाल देना, पीएफ के पैसे को हजम कर जाना, इन सब पर हम अंकुश लगाने जा रहे हैं। और बड़ी मुस्तैदी के साथ, बड़ी पारदर्शिता के साथ आउटसोर्सिंग से भी हम सेवाजित करने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। अब कहीं भी किसी भी गोरख धंधा करने वाले की दाल नहीं गलेगी। सर, संतोष गंगवार जी ने जो है पार्लियामेंट में उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि असंगठित क्षेत्रों में रोजगार की संख्या काफ़ी घटी है, उन्होंने आंकड़ा भी पेश किया है, तो इसको लेकर सर क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश की हालत सबसे खराब। देखिए, उत्तर प्रदेश में आप भी जानते हो कि रोजगार के अवसर बढ़े हैं। हमने 2 साल के अंदर 125,000 करोड़ रुपए के निवेश किए, जिसमें 60,000 करोड़ के किए गए निवेश जो पहले चरण में थे वो उत्पादन अपना शुरू कर दिए, काम करना शुरू कर दिए। दूसरे चरण में भी हम 65,000 करोड़ का निवेश किए हैं, जो अपने इसमें पूरे उनके निर्माण कार्य चल रहे हैं, जल्दी ही वो भी अपना उत्पाद शुरू करेंगे। 60,000 करोड़ के निवेश की हम फिर से तैयारी कर चुके हैं, जल्दी ही उसको भी हम अमलीजामा देने जा रहे हैं। डिफेंस कॉरिडोर आया है, जिसमें पूरा कंप्लीट होने पर कम से कम 32 लाख नौजवानों को रोजगार मिलेगा। तो स्वाभाविक रूप से, लेकिन जो मंत्री जी ने पार्लियामेंट में आंकड़े पेश किए, उन्होंने ऑफिशियल वो पूरे देश का किए होंगे, उत्तर प्रदेश का नहीं किए हैं हम। उत्तर वो आपके माननीय गंगवार साहब आपके मंडल के हैं, आपके जिले के हैं, ये उन्होंने जो कहा उनसे आप पूछिएगा, हम जो बता रहे हैं आप मेरी सुनिएगा। हम उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, हमारी हैसियत केवल उत्तर प्रदेश तक की है, और उत्तर प्रदेश के परिधि में हम बोल रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश का हम आंकड़ा आपको दे रहे हैं, केंद्र का आंकड़ा मेरे पास नहीं है, मैं उस पर कोई टिप्पणी करूंगा। धन्यवाद।